संदीप महेश्वरी जो आज अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स के लिए जाने जाते हैं, वो एक समय पर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और उन्होंने कुछ समय में देखते ही देखते एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी। उनके इस जीरो से हीरो बनने की जर्नी के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल और फेलियर छिपा है। उनकी फैमिली का एल्यूमिनियम का बिजनेस होता था किसी के साथ पार्टनरशिप में, बट कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से उनके फादर को रातों रात पार्टनरशिप से बाहर आना पड़ा। ऐसे में उनका बसा बसाया परिवार एक ही रात में हिल गया। उस समय संदीप महेश्वरी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और अपनी फैमिली को एक एक पैसे के लिए इतना संघर्ष करते देख उनके अंदर से आवाज़ आती थी कि यार इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ना मुझे लाइफ में कुछ करना है, ये नहीं पता क्या करना है लेकिन कुछ करना है। संदीप ने फिर छोटे छोटे एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। वो फैमिली का काम में हाथ बटाने लग गए। उनकी फैमिली ने एक STD PCO की दुकान खोली थी जिसमें वो जाके बैठ जाया करते थे और कई छोटी मोटी चीज़ें बेचने में भी घर वालों की हेल्प करते थे, और इसके बावजूद उन्होंने अपनी स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उस दौरान उनकी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल करा, बट वही वो एक संघर्ष का समय था जब एक एंटरप्रेन्योर जन्म ले चुका था। 2001 में संदीप ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी जापान लाइफ, जहां से उन्होंने थोड़े पैसे कमाए और फिर 2002 में उसी कंपनी के 3 लोगों के साथ मिलके पार्टनरशिप में अपनी कंपनी खड़ी करी जिससे उन्हें 6 महीने में बाहर निकाल दिया गया। फिर संदीप ने सोचा कि अब कुछ तो करना ही है, तो चलो एक मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर बुक लिखते हैं। बट वो बुक मार्केट में इतनी बिक नहीं पाई एंड अगेन इट वॉज अ फेलियर। बट यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि इस बुक को लिखने के चक्कर में संदीप ने न जाने कितनी मार्केटिंग की बुक्स पढ़ डाली जिसने इनडायरेक्टली आगे जाके उन्हें बिजनेस फॉर्म करने में ही हेल्प करा। संदीप ने अपने कॉलेज टाइम के दौरान पार्ट टाइम मॉडलिंग करी थी, बट उसमें भी उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। मॉडलिंग करते समय संदीप को फोटोज़ ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करा, सो आफ्टर दैट उन्होंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने की जर्नी शुरू कर दी। प्रोफेशनल फोटोग्राफी की जर्नी उन्होंने एक 7,000 के कैमरा और 7 दिन के फोटोग्राफी का कोर्स करके शुरू करी थी, बट मार्केट में उस समय बाकी फोटोग्राफर्स और संदीप महेश्वरी में एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका था। संदीप मॉडलिंग में फेल हो चुके थे और एक मॉडल की फीलिंग को परख चुके थे, पर बाकी फोटोग्राफर्स नहीं। फोटोग्राफी करते समय उन्होंने अपने फेलियर से मिला हुआ सारा एक्सपीरियंस तजुर्बा सब लगा दिया और बिना किसी तिगड़म के लोगों को सच बोलते बोलते मार्केट में ग्रो करना भी शुरू कर दिया। फिर फोटोग्राफी की इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नॉनस्टॉप 10 घंटे तक 100 से ज़्यादा मॉडल्स का शूट करने का, जिसमें एक दिन में 10,000 से ज़्यादा फोटोज क्लिक हुई। अपनी बिजनेस सेंस और मार्केटिंग टैक्टिक्स की वजह से उन्होंने अपना एक डिसेंट सा बिजनेस खड़ा कर दिया। अब 2005 से 2006 के बीच बारी आई उनके लाइफ के एक मेजर यू टर्न की। कहते हैं जब हमारी ज़िंदगी ब्राइट होने वाली होती है ना, उससे पहले हमारी लाइफ में अंधेरा आ जाता है, और अब हमको वो अंधेरे को फेस करना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ संदीप के साथ जब उन्हें अपनी लाइन से रिलेटेड एक स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट खोलने का आइडिया आया। उन्होंने 2005 में वेब डेवलपर से अपनी साइट इमेजेस बाजार पे काम करवाया और 2006 तक उसे लॉन्च कर दिया। 2006 में लॉन्च हुई इमेजेस बाजार मार्केट में अपनी तरह की इकलौती वेबसाइट थी जो इंडियन मॉडल्स की फोटोग्राफ्स ऑनलाइन प्रोवाइड करती थी, पर लॉन्च के बाद वो वेबसाइट खुलने में 3 से 5 मिनट लगा रही थी जिससे कि कोई साइट पे ट्रांजैक्शन करना पसंद नहीं कर रहा था, और इससे सारा धंधा वापस से ठप बैठ गया था। ऐसी सिचुएशन में कोई भी नॉर्मल इंसान होता ना तो टूट जाता, पर संदीप अब इतनी दूर निकल आ चुका था कि वापस मुड़ना उसके लिए ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो वो पागलों की तरह जुट गया अपने सपनों के पीछे। वो 8 दिन बिना नहाए धोए ऑफिस में पड़ा रहा और इंटरनेट से, बुक से, यहाँ वहाँ से प्रोग्रामिंग सीखने में लगा रहा, और फाइनली उसने वेबसाइट के डाटाबेस में कुछ लूप होल्स ढूंढ निकाले और ले जाके उसने उन डेवलपर्स को समझाया कि ये सारी दिक्कतें हैं। उन्होंने वो सब इश्यूज सॉर्ट आउट करवाए और जो साइट कल तक मिनटों में लोड हो रही थी अब उसका लोडिंग टाइम और फंक्शनिंग बस कुछ सेकेंड्स पर आ चुका था। धीरे धीरे साइट पे सेल्स आनी भी शुरू हो गई। कुछ समय में सब काम ऐसा सेट हुआ जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हुई ना, और आज ये बंदा
एक पीसफुल माइंड के साथ पूरे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट मोटिवेशनल सेमिनार्स कंडक्ट करता है। जिंदगी की एक सच्चाई लोगों के आगे रख के वो उन्हें उनके काम से रिलेटेड मोटिवेट करता है। संदीप चाहता तो इमेजेस बाजार के बाद वो एंटरप्रेन्योर्स की रेस में घुस के इंडिया का नंबर वन एंटरप्रेन्योर बन सकता था, बट उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाने को अपना शौक बनने नहीं दिया। उसने इतना पैसा कमाना ज़रूरी समझा जिससे कि वो खुद और अपने आसपास लोगों को खुश रख सके और अपने पूरे दिल से आपकी मदद कर सके।